हेलो बच्चों, देखिए पीछे हम जो है दो वीडियो बनाए थे आप लोगों के लिए कक्षा 8 क्लास 8 इकाई 1 विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति। देखिए विज्ञान के बारे में आप जानते हैं, विज्ञान क्या करता है? वातावरण का अध्ययन है ना, जैसे गर्मी हो रही, क्यों गर्मी हो रही है कि नहीं, और पानी किस ताप पर उबलता है, है कोई चीज़ गर्म है, कोई चीज़ ठंडा है, क्यों है, मतलब क्या क्यों कैसे का जवाब और प्रयोगों द्वारा तर्कसंगत तरीके से देता है विज्ञान। तो विज्ञान जो है क्या करता है, कुछ नियम और सिद्धांत बनाता है, जैसे उत्तोलक का सिद्धांत आप लोग पढ़े होंगे है ना, दाब का नियम है ना, तमाम प्रयोग भी किए होंगे। तो विज्ञान नियम और सिद्धांत देता है, अच्छा उन्हीं नियमों और सिद्धांतों के आधार पर कुछ मशीन बनाए जाते हैं, उपकरण बनाए जाते हैं जो हमारी हमारे लिए हमारे काम को आसान करते हैं, हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जैसे आपका हैंडपम्प हो गया है ना, ट्रैक्टर हो गया, इनको हम कहते हैं तकनीक है ना, टेक्नोलॉजी, ये जो तकनीकी कहते हैं। तो अब देखिए विज्ञान और तकनीकी दोनों के क्षेत्र में जो है बहुत प्रगति हो रही है, लगातार प्रगति होती जा रही है, दिनों ब दिन नई नई जो है तकनीक आ रही है। तो वही इस चैप्टर में वही चीज़ दिखाया गया है। तो इसमें आपने देखा था विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति, तो ये प्रगति कहाँ कहाँ हुई है इसके बारे में आपने देखा उसमें। तो ये प्रगति आपका देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हुई, जैसे ICT का प्रयोग हो रहा है आजकल, और फिर आपका जो है कृषि के क्षेत्र में है, फिर आपका देखिए अंतरिक्ष अध्ययन के क्षेत्र में PSLV GSLV यान जो है जो छोड़े जाते हैं आपके उपग्रह ऊपर, और आपका मोबाइल के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में आपने देखा TV टेलीविज़न रेडियो और मोबाइल आ गया, मोबाइल इंटरनेट से जुड़ गया तो आपका बन गया आपका 3G 4G, ये सब जनरेशन टेक्नोलॉजी आ गई जिसके द्वारा इंटरनेट मोबाइल में इंटरनेट जोड़ दिया गया है ना। और फिर आपका जो चिकित्सा के क्षेत्र में है, और इसी तरह से आपका एक और क्षेत्र है जिसमें विज्ञान और तकनीकी का सुधरा हुआ रूप और मॉडर्न रूप, आधुनिक रूप देखने में आया है, वो ऊर्जा का क्षेत्र है। तो ऊर्जा के क्षेत्र में आप किताब उठाएंगे तो उस पर आपको मिलेगा ऊर्जा के क्षेत्र में, ये देखिए आपका चित्र बना हुआ, देखिए सोलर पैनल बना हुआ, चित्रों को देख लिया कीजिए। तो ऊर्जा में आपका एक शब्द आएगा ऊर्जा। ऊर्जा क्या है, आप लोग ऊर्जा छोटी कक्षाओं में पढ़े, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, है ना। जैसे देखिए हम जीभ हमारा लपलपा रहा, देखिए हम जो हाथ हिला डुला रहे हैं, तो ये हमारे अंदर ये हाथ हिलाने की क्षमता है ना। कार्य क्या होता है, ये किसी वस्तु को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कार्य करते हैं, कार्य करते हैं उसको। तो हाथ हम जैसे हिला रहे हैं, जीभ आपका लपलपा रहा है, तो हमको ऊर्जा, हमारे पास ऊर्जा, ऊर्जा कहाँ से मिली, हमने भोजन किया हुआ है, खाना खाए हैं, ठीक है, तो उससे ऊर्जा हमको मिल रही है, तो इससे हम काम कर रहे हैं। उसी तरह से आपका जो है गाड़ी चल रही है, जैसे आपका बाइक चल रही है हीरो होंडा, तो उसमें ऊर्जा कहाँ से आई, तो आप जानते हैं हीरो होंडा जो आपका पेट्रोल से चलती है, तो पेट्रोल से उसमें ऊर्जा आई। इसी तरह से आपका खाना पकता है, आपके घर में खाना किससे पकता है, अच्छा कुछ लोग घर में लकड़ी से खाना पकता होगा, तो लकड़ी भी क्या है, लकड़ी को जलाते हैं तो उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, उससे आपका खाना पकता है, तो ये भी ऊर्जा का स्रोत है, लकड़ी हो गया। इसी तरह से आपका कोयले से आप देखे होंगे हलवाई की भट्टी है ना, उसमें जो आपका कोयला जला करके आपका चाय गर्म करते हैं, उस पर समोसा छानते हैं, है तो ये कोयला भी आपका ऊर्जा का स्रोत है। इसी तरह से आपका डीजल हो गया, ट्रक जो है किससे चलता है, डीजल से चलता है, तो तमाम ऊर्जा के स्रोत हैं आप देखिए, है ना। तो इन स्रोतों में से कुछ स्रोत ऐसे हैं बच्चों जो कि कुछ ही दिन बाद ख़त्म हो जाएंगे, 100 साल 200 साल बाद ख़त्म हो जाएंगे, उनको कहते हैं अनवीकरणीय या पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। जैसे कोयला है आप जानते हैं लाखों करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर उथल पुथल के फलस्वरूप जो है जंगल के जंगल नीचे दब गए, पेड़ के पेड़ जब दब गए और उसी दाब, पृथ्वी के अंदर दाब वगैरह के नाते, दाब और ताप के नाते धीरे 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 वो चट्टानों के साथ मिलकर के कोयला में बदल गए। तो वो लाखों करोड़ों साल में कोयला बनता है, तो कोयला खोद करके ज़मीन से निकाला जाता है, हैं तो ज़मीन से खोद करके निकाला जाता है, और फिर उस कोयले को जला करके बिजली बनाई जाती है, कोयले के भट्टी में प्रयोग होता है। लेकिन ये कोयला जो आपका करोड़ों साल में बना, तो अब फिर अगर कोयला आपका ख़त्म हो गया तो फिर बनेगा नहीं, तो करोड़ों साल में बनेगा ना, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इसीलिए इसको अनवीकरणीय स्रोत कहते हैं। पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये आपका जो पेट्रोल डीजल है ना कुआं खोद करके निकाला जाता है, ये भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे रसोई, इसलिए हमको इनका प्रयोग बहुत सोच समझ के करना चाहिए, कम से कम प्योग करना चाहिए। अच्छा, और आज ये एक दूसरा स्रोत है आपका, दो वर्गों में बांटा गया ऊर्जा के स्रोतों को,
एक अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, एक नवीकरणीय या अक्षय या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? ये ऐसे ऊर्जा स्रोत हैं जो थोड़े समय बाद फिर पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे सूर्य, आप देखिए यहाँ पे देखिए चित्र बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, सोलर सेल पैनल ये बना हुआ है। तो देखिए आपका जो आप देखे होंगे गाँव में है सोलर पैनल होता है आपका, है सोलर पैनल, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सोलर सेल उनको कहते हैं, है ना। और ये बल्ब आपका लगा हुआ है, फिर यहाँ बैटरा रखा रहता है। तो ये सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है इस पर, तो इसमें करंट बनता है। सोलर सेल क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा बदलता है, करंट में बदलता है। तो उस करंट से बैटरी चार्ज हो जाती है, फिर रात जब होता है तो इस बैटरी की सहायता से बैटरी के अंदर जो ऊर्जा संचित रहती है उससे जो आपका बल्ब जलता है। तो ये आपका सूर्य जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, क्योंकि फिर से सूर्य, फिर एक दिन सूर्य निकला, फिर दूसरे दिन फिर निकलेगा, फिर तीसरे दिन फिर निकलेगा, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह पवन हवा है, हवा जो है कुछ जगहों पे देखिए हवा लगातार एक ही दिशा में चलती रहती है। जैसे गुजरात समुद्र तट पे देखिए आप, हैं गुजरात वगैरह के समुद्र तट पे देखिए हवा जो है एक ही दिशा में चलती रहती है। तो वहाँ पे पवन चक्की का इस्तेमाल करते हैं। तो पवन चक्की क्या, बड़े बड़े डायने होते हैं उसमें, है ना, टर्बाइन। तो ये जो आपका हवा जब चलता है तो ये जो घूमता है, जब घूमता है तो इसकी यांत्रिक ऊर्जा को डायनमो की सहायता से विद्युत ऊर्जा बदलते हैं, है ना। या इससे जो है हम चाहे तो पंप का काम कर सकते हैं, पर नीचे से पानी निकाल सकते हैं। तो ये हवा हमेशा चलती रहेगी, तो ये बार बार प्राप्त हो सकती है। इस तरह जैव ऊर्जा क्या है आपका, आप लोग देखे होंगे बायोगैस, है ना, आप सुने होंगे गोबर गैस। तो गोबर गैस देखिए गाँव में गोबर गैस संयंत्र पहले हुआ करते थे, जैसे जमीन में कुआं जैसा ऐसे खोद लेते थे, है ना। और यहाँ पे देखिए आपका यहाँ से गोबर और पानी वगैरह जो सड़ी गली पत्तियाँ वगैरह होती हैं उसको यहाँ से डालते थे। ये देखिए आपका ये पाइप जैसा अंदर जाता था, यहाँ से डालते थे और यहाँ पे जो गोबर सड़ता था, सड़ने के फलस्वरूप ये आपका जो गैस बनता है। यहाँ पे जो आपका एक टंकी रहती है लोहे की, है ना। तो गैस जब इकट्ठा होता तो अच्छा यहाँ पाइप रहता है गैस को निकालने के लिए। ये जो गोबर वगैरह सड़ने से गैसें इकट्ठा होती हैं, फिर वो गैस आपका जो यहाँ टोटी लगी रहती है, टोटी को जब खोलते हैं तो गैस निकलती है। उस गैस से हम पेट्रोमैक्स जला सकते हैं, उससे खाना पका सकते हैं, है कि नहीं। तो ये जो आपका बायोगैस, तो आप देखिए गोबर गाय वगैरह गोबर तो हमेशा करती रहेंगी, तो ये आपका कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, है आपका रोज आपका इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं कि करोड़ों साल में बनी है, है। इसी तरह से आपका जल ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, जैसे नदियाँ बहती हैं, है कि नहीं, और यहाँ बांध बना दिया जाता है तो नदी का पानी इकट्ठा होकर के ऊपर तक चला जाता है, फिर ऊपर से जो है पानी गिराया जाता है और यहाँ टर्बाइन रहता है। आपको दिखाए थे हम टर्बाइन जब रहता है, टर्बाइन घूमता है तो उससे जो डायनमो से जुड़ा रहता है ये, और ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा मिलता है, इससे बिजली बनती है। आप लोग सुने होंगे पानी से बिजली बनती है, तो एक्चुअली पानी से बिजली नहीं बनती है, बहते हुए जल की ऊर्जा जो होती है, जल को जो रोक करके इसमें ऊर्जा संचित होती है, स्थितिज ऊर्जा, उसी से बिजली बनती है। उसको जब बहाया जाता है तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा बदलती है और टर्बाइन को घुमाती है, और इस तरह से यांत्रिक ऊर्जा को बिजली बनाया जाता है। तो ये आपका जो है, जल हो गया। इसी तरह वन हो गया, जंगल आप जंगल से लकड़ी वगैरह प्राप्त होता है, लकड़ी जला करके ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जंगल फिर बाद में लगाए भी जा सकते हैं। तो जंगल लगाते रहिए, बार बार लगाइए और उसको प्राप्त करते रहिए। पृथ्वी के अंदर चट्टानें हैं, चट्टानों के भीतर बहुत सारा ऊष्मा रहती है, है ना, भू ऊष्मा उसको कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो चट्टानों के बीच में बहुत सारी ऊष्मा रहती है, उसकी सहायता से भी जैसे पानी डाल करके उसको गर्म किया जा सकता है, और गर्म करके फिर जो टर्बाइन घुमा करके बिजली बनाई जा सकती है, इसको भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये सब ऊर्जा ऐसी है जो हमेशा प्राप्त होती रहेंगी, है ना, कुछ समय बाद फिर से हम प्राप्त कर सकते हैं इनको। तो इनको कहते हैं नवीकरणीय या अक्षय या गैर का पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। सूर्य हो गया, पवन हो गया, जय हो गया, जल हो गया, वन हो गया, पृथ्वी हो गया, और वो अनवीकरणीय जो कि कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएंगे। अगर एक बार खत्म हो गए तो फिर पुनः प्राप्त नहीं हो सकते, उनको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। यहाँ पे देखिए आपका जो है किताब में खोजेंगे तो मिल जाएगा आपका, ऊर्जा के कुछ स्रोतों को लगातार इस्तेमाल किया जा सकता है या एक निश्चित अवधि के बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार के ऊर्जा के स्रोतों को नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। मतलब एक निश्चित अवधि के बाद जिनकी पूर्ति की जा सकती है, छोटी अवधि के बाद 4 दिन 5 दिन 1 महीना उसके बाद पुनः पूर्ति की जा सकती है, उसको कहते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और जिसकी पूर्ति एक निश्चित अवधि के बाद थोड़े समय बाद पुनः नहीं की जा सकती, बल्कि उसको फिर से कोयला जैसे 10 किलो कोयला आपने जला दिया, खत्म हो गया,
तो फिर उस 10 कोयला को बनने में करोड़ों साल लगते हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं अनवीकरणीय। तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। ये देखिए आपका घर घर में जो रसोई गैस इस्तेमाल करते हैं लिक्विफाइड है ना, LPG लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर में इस्तेमाल करते हैं ना घरों में, तो वो जो आपका वो भी आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगा है, तो फिर आपको नहीं मिल पाएगा। इस तरह से आपका देखिए CNG है ना, जो प्राकृतिक गैस है ना, प्राकृतिक गैस देखिए CNG, इसका फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये जो आपका दिल्ली में जो बसें चलती हैं CNG से बसें चल रही हैं, तो ये जो है आपका, ये भी आपका जो तेल की कुएं होते हैं जहाँ से डीजल पेट्रोलियम निकाला जाता है ना, ज़मीन में खोद करके उन तेल की कुओं में जहाँ पेट्रोलियम मिलता है बच्चों, उसके ऊपर गैस रहती है, तो उसी को कहते हैं नेचुरल गैस। उसमें मेथेन गैस मुख्य रूप से रहती है। तो ये अब तो ये जो है नेचुरल गैस जो होती है ये भी आपका एक दिन ख़त्म हो जाएगी, तो इनको कहते हैं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, जो एक दिन ख़त्म हो जाएंगे है ना, थोड़े समय बाद पुनः इनको नहीं उत्पादित किया जा सकता, पुनः नहीं प्राप्त किया जा सकता, और ये वो है जिनको थोड़े समय बाद पुनः प्राप्त किया जा सकता है, तो उनको कहते हैं हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। बस।